स्मार्ट सिटी के तहत लगाए जा रहे खंभों में कर्मचारी व ठेकेदार द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार के विरोध में सामने आए स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट के करीबी कांग्रेस नेता संभागीय प्रवक्ता मंजूर बैद ने बताया कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं है, मेरे द्वारा उठाई आवाज पूरी तरह जनहित व देश हित में है। मंजूर बैग ने कहा कि मैंने जो अखबार के जरिए व शिकायत पत्र द्वारा जो जनहित में आवाज उठाई है उस पर विचार व जांच नहीं की गई तो उसके जवाबदार छोटे से लगाकर बड़े अधिकारी रहेंगे। बैग ने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ठेकेदारों ने खंभे खड़े करने के लिए जो कार्य किया है उसमें सिर्फ जनहानि ही है। वह देश की जनता से एक टैक्स के रूप में जो राशि वसूली जाती है उस राशि का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि विद्युत मंडल कर्मचारियों के द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे हैं उस समय उनमें से निकाली जा रही मिट्टी खंभे लगाते वक्त जब खंभे को मजबूती से खड़ा रखने के लिए सीमेंट व अन्य सामग्री के बजाय गड्ढे से निकाली गई मिट्टी दोबारा गड्ढे में मिट्टी मलबे से भरे जा रहे हैं। इस गोलमाल के कारण वर्तमान व भविष्य में कभी भी घटना घट सकती है व बड़ी दुर्घटना में जनहानि हो सकती है। मध्य प्रदेश विद्युत पश्चिम क्षेत्र के लोग इंदौर स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर में थंबे का काम चल रहा है। उस थंबे पर ये केबल के माध्यम से जो 3 फेज 4 फेज आते हैं ना उसको बंद कर रहा है। इस स्मार्ट सिटी के नाम पर जो थंबे लग रहा है ये पूरे राजवाड़ा विगल कलेक्टर ऑफिस जवाहरमार मोती तपेला और बड़ा गणपति के आसपास के जो क्षेत्र हैं इसमें थंबों का काम जोरों पे चल रहा है। थंबों का जो कार्य है वो कार्य स्मार्ट सिटी की तेज हो रहा है, ये शासन के इशारे पे हो रहा है, शासन के कहने पे हो रहा है। स्मार्ट सिटी घोषित हुई है, इंदौर नंबर 1 आए, ट्रैफिक में आया, स्वास्थ्य में आया, लेकिन जो थंबे लग रहा है इसमें उसमें इतना बड़ा फर्जी वाला हो रहा है, इसमें पश्चिम क्षेत्र के अधिकारी भी संलग्न हैं। जब जहाँ थंबा लगता है वहाँ पर गड्ढा होता है, गड्ढा रहता है 3 से 4 फीट, लेकिन जो उसका मलबा लेकर उसी में ये वापस उसको खड़ा कर रहा थंबे को, जबकि शासन का आदेश है जहाँ थंबा लगेगा वहाँ उसमें सीमेंट कांक्रीट होना अनिवार्य है। सीमेंट कांक्रीट नहीं करेंगे तो कभी भी इंदौर शहर में बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के शहर में भी लग रहा है, सिटी में भी लग रहा है, मोहल्लों में भी लग रहा है। तो ऐसी जगह लगने से थंबे पर आप कभी लापरवाही बरतोगे और जो कंपनी है उसको लाखों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि सीमेंट कांक्रीट भर ही नहीं रहा। जो माल वाले जो भी कंपनी को दी, हमने या ऊर्जा मंत्री जी को भी अवगत करा दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है, तो समय अनुसार इसकी जांच करा लें, लेकिन कभी इंदौर में कोई हादसा होगा उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की रहेगी। ये हमने इनको लिखित में दे चुके हैं, उसके बाद कभी किसी प्रकार का हादसा होगा तो हम इस पर सीधे सीधे आरोप लगाएंगे पश्चिम क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी। भाई वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं, सुब्रत राय जी से चर्चा हुई टेलीफोन पर, उन्होंने जांच के निर्देश दिए और उन्होंने जांच कराना चालू की है। मेरा ये कहना है जब थंबे लग चुके हैं वहाँ की जांच होना चाहिए, कभी उसमें मट्टी भरी गई है और मलबे से कभी उस थंबे को गाड़ा गया तो वहाँ पर सीमेंट कांक्रीट तुरंत करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कभी भी बड़ी दुर्घटना होगी, क्योंकि लापरवाही बहुत बड़ी पश्चिम क्षेत्र की है। डीएनयू के लिए जीतू पटेल की रिपोर्ट।